पूर्व भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर शोएब मलिक ने तलाक के बाद पहली बार बेटे इजहान का बर्थडे सेलिब्रेट किया। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। इस साल इस कपल ने 14 साल की शादी को तोड़ने का फैसला किया था। वो अलग हो गए थे। इसका खुलासा तब हुआ जब शोएब मलिक ने अचानक अपनी तीसरी शादी का सोशल मीडिया पर ऐलान किया। उन्होंने सानिया मिर्जा के साथ शादी में रहते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद को डेट किया और फिर एक दिन अपनी शादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद सानिया मिर्जा और उनकी ओर से एक बयान में कहा गया कि वो आपसी फैसले से अलग हुए। आपको बता दें कि तलाक से पहले से इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन दोनों ने अभी खुलकर इसे स्वीकार नहीं किया। भारतीय पॉपुलर पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा अक्सर फैंस के बीच सुर्खियों में बनी रहती हैं। अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के जन्मदिन पर सानिया मिर्जा ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जिस पर लगातार फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इजहान मिर्जा मलिक 6 साल के हो गए हैं और इस मौके पर सानिया मिर्जा ने उन पर जमकर प्यार लुटाया। फैंस के अलावा क्रिकेटर सुरेश रैना सहित कई जानी मानी हस्तियों ने सानिया मिर्जा के इस पोस्ट की सराहना की। शेयर की गई तस्वीरों में न केवल जश्न दिखाया गया बल्कि दो अनोखे जन्मदिन के केक भी दिखाए गए, जिनमें से एक पर मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो की तस्वीर थी। इन तस्वीरों से पता चलता है कि इजहान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन हैं। खैर, अब जब वो अलग हो चुके हैं तो बेटा इजहान सानिया के साथ भारत में या फिर दुबई में रहता है। इस बीच इजहान का बर्थडे था तो सानिया मिर्जा ने कुछ तस्वीरें शेयर की। फुटबॉल थीम पर बने बर्थडे केक पर 7 नंबर की जर्सी पहने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ इजहान को बनाया गया था। सानिया ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मेरा प्यारा बेटा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम 6 साल के हो गए, तो मेरी मुस्कुराहट की वजह हो, जन्मदिन मुबारक हो लड्डू। दूसरी तरफ शोएब मलिक ने भी इजहान के 6वें जन्मदिन पर उसे एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा था कि जन्मदिन मुबारक चैम, तुम्हारे और भी कई साल हंसी और प्यार से भरे रहे। उन्होंने आगे लिखा कि बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम बड़े होकर हम सभी को गौरवान्वित करोगे। इसके साथ ही शोएब ने इजहान का बर्थडे केक काटते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। केक के चारों ओर कार थीम वाले मफिन रखे हुए थे, जो BMW, ऑडी, बुगाटी, पोर्श और फरारी जैसे ब्रांड्स को दिखाते हैं। भारत की पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भले ही रिटायरमेंट ले लिया हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। सानिया की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। इस साल की शुरुआत में सानिया के जीवन में जो कुछ भी हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। सानिया ने सरहद पार प्यार किया और अपने प्यार को शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बदला, लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। काफी समय से ये खबरें आ रही थी कि सानिया और शोएब मलिक के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है और इस साल की शुरुआत में दोनों का तलाक हो गया। सानिया मिर्जा से तलाक लेने के बाद शोएब मलिक ने तीसरी शादी सना जावेद से कर ली। वहीं सानिया मिर्जा अपना जीवन अकेले बिता रही हैं और अपना पूरा समय अपने बेटे इजहान के साथ बिताती हैं। सानिया अकेले ही माता पिता दोनों की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि रिश्ता भले ही टूट जाए, लेकिन प्यार ऐसी चीज है जिसको आप चाहकर भी नहीं भूल सकते हैं। सानिया सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट शेयर करती रहती है। उनकी पोस्ट को देखकर लगता है कि वो अभी भी शोएब को भूल नहीं पाई है। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा अक्सर अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ शेयर करती रहती हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर इजहान की तैराकी उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया था। आपको बता दें कि इजहान ने इस साल दुबई में आयोजित तैराकी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने 2 मेडल जीतकर अपने हुनर का परिचय दिया। सानिया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस इवेंट की एक फोटो और वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की सफलता पर बेहद गर्व के साथ जश्न मनाया था। सानिया अक्सर ही अपने जिम, लंच, ब्रेकफास्ट की तस्वीरें भी शेयर करती हुई सोशल मीडिया पर नजर आती हैं।